अच्छा अच्छा तो दोस्तों थोड़ा सा आप उसको क्लियर करके उसे कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। जैसे हमने ठाकुर देव बताया था, एक्चुअली हिरासुका ही ठाकुर देव है, तो हिरासुका को ही ठाकुर देव कहा जाता है। इसलिए हमारे समाज, जब हम गोंडवाना की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हैं, तो कुछ जगह पे जो प्रधान जमात के जो हैं उन्हें गांव में पटेल या ठाकुर के नाम से भी नवाजा जाता है, और कुछ जगह कुटवार भी उन्हें कहा जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रधान जनजाति है उसका कार्य था कि अपनी संस्कृति, यानी कि जो कार्य ब्राह्मणों का था, पूजा पाठ करना, अपनी संस्कृति को संरक्षण करना और को आगे बढ़ाना, ये हमारा प्रधानों का काम रहा है हमारे समाज के। और मगर ये मनुवाद से कौन बचा है, आप तो जानते ही हैं, सभी लोग मनुवाद से प्रताड़ित हुए हैं। उन्होंने जो जन विरोधी मानव विरोधी मनुवाद ने गोंडोयन संस्कृति जो प्रकृति सम्मत थी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, और हम उसके बाद धीरे से हम कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को कि वो लोग नेचर से ज़्यादा जुड़ सकें, आइडल वर्शिप से बच के हुए, फालतू की बिलीव एंड प्रैक्टिसेस से बचते हुए वो नेचर से जुड़ सके। और मैं ऐसा मानता हूँ, एक छोटी सी कहानी में यहाँ पे, चूँकि ये जगह अब हमारी एंड होने जा रही है, तो ये लास्ट हमारा ठाना था, तो अब मैं जो आपको आखिरी बात कहने जा रहा हूँ, यू नो व्हाट, कि हम लोगों ने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी। वो स्टोरी ये थी कि जब गणपति और कार्तिक की लड़ाई होती कि हु इज़ द बेटर और कौन श्रेष्ठ है, तो उस समय गणपति और कार्तिकेय को उनके मदर एंड फादर ने जो टास्क दिया था वो ये था कि जो बंदा पहले पूरी दुनिया के चक्कर काट के आएगा ना, वो विनर होगा। तो उस गणपति की स्टोरी से लोगों ने उस पर आइडल वर्शिप तो बहुत की, मगर उस स्टोरी को शायद गोंडियन लोगों ने पहले से इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, और वहाँ पे गणपति विनर था। तो वहाँ पे यही चीज़ है कि लोगों को कार्तिकीय बनना चाहिए। कार्तिकेय बनने का मतलब ये होगा कि कार्तिकेय नहीं बनना चाहिए, गणपति बनना है तो बन जाइए। उसका मतलब ये होगा कि अपने माता पिता ही सबसे बड़े देव हैं, और सबसे पहले माता पिता की पूजा, सबसे पहले आपको पैदा करने वाले जन्म देने वालों का ध्यान रखने का, और उसके बाद फिर हम सेकेंडरी दूसरी चीज़ों पर जाएँ। तो इधर उधर पर ज़्यादा घूमना फिरना, आइडल वर्शिप, दैट इज़ नॉट द लीगल वे टू ग्रैब द नोशन ऑफ द नेचर। अगर आपको प्रकृति की धारणा को अपनाना है, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 स्टॉप आइडल वर्शिप, स्टार्ट रियल वर्शिप। इंसान से प्यार कीजिए, इंसान से मोहब्बत कीजिए, इंसान की वर्शिप कीजिए, क्योंकि इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, और 5 तत्वों से मिलकर जो शरीर बना है, इसलिए इंसान ही भगवान है। बस इसे घमंड के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ, आत्मीयता के साथ समाहित कीजिए। और इसी की तरह हम अपने इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहे हैं, और इस ब्लॉग को मैं जल्द से जल्द इसका प्रीमियर कर दूंगा। अभी थोड़ी सी एडिटिंग काट छाट मुझे करनी होगी, और मेरे साथ यहाँ पे जो भी हैं, मैं लास्ट उनका थैंक करना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे एक रीजनल टीचर यहाँ से हैं, तो वो सर से मेरी मुलाकात हो गई है। आखिरी थैंक्स उन्हें मैं कहना चाहूँगा। सर, हमारे दर्शक को थैंक्स बोल दीजिए एक बार। थैंक्स अने बता दीजिए। हाँ, थोड़ा सा अने अभी तक के जो मरकाम जी ने शुरू से लेके अभी तक के, ये हमारे गुरु पारिकोपारलिंगों के थाना तक के हमने जो चलते चलते आते समय बातें की है, हर थाना में गए, हर थाना के संदर्भ में हमने जो जानकारी थी, जो रियल जानकारी हमारे सगाओं तक के पहुँचे, और ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारा हर सगा इसको सुन सके, देख सके, और उनमें जो आस्था है वो आस्था और बढ़े, इस वास्ते इन्होंने जो किया हुआ उपक्रम है बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं इनसे और भी इच्छा जताता हूँ कि आप जब भी इनको समय मिले तो, और ये समय मिले तब आए, और इसी तरह से यूट्यूब के चैनल से हमारे सभी देवी देवताओं के बारे में, हमारे पुरखाओं के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, हमारे सामाजिक और राजकीय धरोहर के बारे में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे हर सगाओं तक के माहिती पहुंचाने का कष्ट करें, यही आपसे नम्र निवेदन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई के साथ साथ, अभी मैंने लास्ट ईयर में जब मेरा लॉ का, कल मेरा मूट कोर्ट है, लास्ट ईयर है मेरा, और मैंने एक स्कूल भी चालू किया है जहाँ पे हम गोंडी सिस्टम की जो शिक्षा है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पे लाएंगे। और
लॉ को मैंने थोड़ा सा साइड में दरकिनार करते हुए, चूँकि हाँ वकालत करनी है, फ्यूचर का स्टेज है, मगर डेडिकेशन है जो हमें यहाँ खींच के लाता है। और लास्ट थैंक्स जो भैया इतनी देर से कैमरे के पीछे थे, मैं उनसे कहूँगा कि वो भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा कुछ कुछ कह दें। यहाँ जो आई हुई पकड़ा हूँ, आप बोल दीजिए, हो गया ना? हाँ बोल दीजिए, यहाँ पे बोल दीजिए। सभी मैं यहाँ सगाजनों को मैं जो से एक बार सजोर पेनता सेवा सेवा सजोर पेनता सेवा सेवा धन्यवाद। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अविनाश श्रीराम मड़ावी। क्या है वो बता, क्या करते हैं वो बता दीजिए। मैं गोंडवाना गोंड समाज संगठन तालुका सड़कअंजनी क्षेत्र पांडरी कोसम मंडी का सचिव इस पद में कार्यरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा, और एक और भाई थे जिनको मैं 2-3 साल से देखता आ रहा हूँ, मगर पहली बार बातचीत हो रही है। अपना परिचय बता दो भाई। मेरा नाम गौरव मसराम है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ फिलहाल BSW फर्स्ट ईयर में। और क्या बोलो, पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्य और पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्य भी कर रहा हूँ। और मैं आदिवासी विद्यार्थी संगठन का सदस्य भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु जो आए हुए हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे पहुँचने के बाद? बहुत अच्छा, हम पहली बार आए, बालाघाट से हैं, और इतना अच्छा लग रहा है कि इसके पहले तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। और ये पुरातत्व को आज भी समझ, मैं सरिता पिल्लई बालाघाट से मानव अधिकार आयोग से हूँ मैं, और विधिक सहायता मेम्बर हूँ। अच्छा, तो आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता होगा कुछ? ज़्यादा तो कुछ नहीं पता था, सुनने में आया था हमारे कि यहाँ यानी आदिवासियों का इतना कुछ है, बहुत यानी पुराना काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कह के और देखने लायक है। तो मेरा भी फर्स्ट बार ही हुआ आने का। चलिए मोस्ट वेलकम आपका। मैम, हमारा यूट्यूब चैनल है इंडिजिनस भारत के नाम से, और ये पहला ब्लॉग हम लोग यहाँ से तैयार कर रहे हैं। और आई विश कि आप, मैं भी उसमें कुछ मानवाधिकारों के संदर्भ में कुछ चीज़ें वहाँ पे उल्लेखित करता हूँ। मेरा नाम अंशुल शाह मरकाम है, और GSU को बिल्ट कराने के बाद 10 साल वहाँ पर अच्छी सेवा दी है जोर से। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने बढ़ा लिया है, मेरा भी लॉ का लास्ट ईयर ही है, और उसी के साथ साथ मैंने अपना खुद का स्कूल खोल लिया है, और उसमें मैं अपने बंदों को तैयार कर रहा हूँ। और बेशक बेशक, तो मैंने बादलपार में अपना स्कूल खोला है, जहाँ पे गोंडी भाषा को मैं अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर रहा हूँ। और ये हम लोगों का स्टेप है, बिकॉज़ कि मुझे ऐसा लगता है, अभी ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो छूट जाती हैं उसे हर तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। जी जी, अच्छा अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, कि बहुत कम टाइम में आप लोग युवा लोग